कैलेंडर पर तारीख थी 6 मई 1937। एक बड़ा सा गुब्बारा अमेरिका में न्यूजर्सी के आसमान पर तैर रहा था। ये एक एयरशिप था जो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से 97 लोगों को अपने साथ लेकर आया था। इसने हवा से जमीन पर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जलने लगा। एयरशिप में सवार 35 लोगों के साथ साथ जमीन पर खड़े एयरशिप कंपनी के कर्मचारी की भी जान चली गई। एयरशिप के इतिहास में न ये पहला हादसा था और ना ही सबसे बड़ा। फिर भी इस एक हादसे के बाद दोबारा कभी एयरशिप यात्रियों को लेकर नहीं उड़े। एक इंडस्ट्री का अंत हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूजर्सी वाले हादसे के वक्त दर्जनों कैमरे मौजूद थे, न्यूज रील्स पर लाइव कमेंट्री रिकॉर्ड हुई और हर एंगल से हादसे की तस्वीरें आईं, जिसमें सबसे चर्चित थी फोटो जर्नलिस्ट सैम शेयर की ये तस्वीर, जो हिंडनबर्ग डिजास्टर की प्रतीक तस्वीर बन गई। जांच में सामने आया कि हिंडनबर्ग हादसे में जितना मौसम का हाथ था, उससे ज्यादा इंसानी लालच का। हाइड्रोजन बेहद ज्वलनशील गैस है, ये जानते हुए भी गुब्बारे में उसे भर दिया गया क्योंकि वो सस्ती थी और हीलियम के निर्यात पर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी थी। इसीलिए हिंडनबर्ग को एक मैनमेड डिजास्टर कहा जाता है। जो अमेरिकी फर्म अडानी समूह के गले की हड्डी बनी है, उसका भी यही दावा है कि वो मानव निर्मित त्रासदियों की मैनमेड डिजास्टर की जांच करती है और इसीलिए उसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। 25 जनवरी को जब इस फर्म ने अडानी समूह पर स्टॉक्स में हेराफेरी और बैलेंस शीट में फ्रॉड के इल्जाम लगाए, तो एक्सपर्ट्स ने कहा अडानी समूह की सेहत पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और कुछ दिनों में बात आई गई हो जाएगी। लेकिन 25 जनवरी से 2 फरवरी आ गया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से मची तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। जिस FPO को भारत के इतिहास में सबसे बड़ा होना था, उसे अडानी समूह ने वापस ले लिया। अब निवेशकों को पैसे लौटाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अडानी समूह की कंपनियों के बॉन्ड पर कर्ज देने से इनकार कर रही हैं और सूत्रों ने दावा किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अब भारतीय बैंकों से पूछ लिया है कि अडानी समूह को कितना कर्ज दिया। शेयर मार्केट में जो हाहाकार मचा है, उसकी खबरें लगातार आप तक पहुंच रही हैं। इसलिए आज लल्लन टॉप शो एक बार फिर अडानी समूह पर बात करेगा, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अडानी समूह में कुछ गड़बड़ चल रही है या फिर जैसा दावा है कि यह भारतीय कंपनी पर एक विदेशी कंपनी का हमला है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। 1 फरवरी के रोज सबसे बड़ी खबर भारत का बजट थी, लेकिन सिर्फ आधे दिन तक ही। बजट में टैक्स छूट के ऐलान के बाद शेयर मार्केट ने चढ़ना तो चाहा, लेकिन अडानी समूह के शेयर्स में इतनी भारी गिरावट हुई कि बाजार धीमा पड़ने लगा और अडानी समूह के शेयर फिर खबरों में लौट आए। शाम तक खबर आ गई कि स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस AG ने अडानी समूह के बॉन्ड्स पर नए कर्ज जारी नहीं किए और रात को एक ऐसी खबर आई जिसने बजट को खबरों से पूरी तरह जैसे बाहर कर दिया। अडानी समूह ने ऐलान किया कि वो अपना FPO वापस ले रही है। ये खबर क्यों अहम है, इसके लिए आपको समझना होगा कि ये FPO होता क्या है। आपने शेयर मार्केट के संदर्भ में एक शब्द बार बार सुना होगा, IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप ये समझ गए तो FPO समझ जाएंगे। बात ऐसी है कि जब कोई कंपनी आगे बढ़ने के लिए कर्ज चाहती है, पूंजी चाहती है, तो वो बैंक जा सकती है और शेयर मार्केट भी जा सकती है। बैंक की प्रक्रिया आप जानते ही हैं, अपनी हैसियत स्थापित करो और पैसा ले जाओ और फिर सूद समेत वापस करो। शेयर मार्केट में तरीका थोड़ा अलग है। यहां से पैसा उठाने के लिए पहले कंपनी को लिस्ट होना होता है। आप जिस देश के शेयर मार्केट से पैसा लेना चाहते हैं, वहां के कानून के मुताबिक कंपनी पंजीकृत की जाती है। जैसे भारत में प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI के नियम लागू होते हैं। इसके बाद कंपनी एक तय दाम पर अपने शेयर को बेचने का ऑफर निकालती है, इसी को कहते हैं IPO। इच्छुक लोग इन शेयर्स को खरीद सकते हैं, माने पैसे देकर कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा अपने नाम कर लेते हैं और फिर शेयर बाजार में इनकी खरीद बिक्री का खेल चलता रहता है। अच्छी कंपनी की IPO में आपको शेयर मिल जाए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि आप इन्हें ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। भारतीय बाजार के हिसाब से अडानी कुछ वक्त पहले तक बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती थी। IPO निकाल चुकी कंपनी दोबारा अपने शेयर बेचने बाजार में उतारे तो उसे कहा जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अगर कंपनी दमदार है तो FPO लेने के लिए भी होड़ मच जाती है शेयर मार्केट में। अडानी समूह के मामले में यही माना जा रहा था कि यह भारतीय शेयर बाजार इतिहास के सबसे बड़े FPO में से एक होगा, जिसके जरिए समूह तकरीबन 20,000 करोड़ जुटाएगा। लेकिन अडानी के FPO के एन पहले आ गई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट, जिसके बारे में हमने आपको 27 जनवरी के लल्लन टॉप शो में विस्तार से बताया था।
देखना चाहें तो आज के शो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस बुलेटिन का, उस शो का लिंक मिल जाएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद आम निवेशकों ने अडानी के एफपीओ में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसी तरह बड़े निवेशकों ने एफपीओ के शेयर खरीद कर उसे तकनीकी रूप से सफल बताया, यानी सारे शेयर्स के लिए खरीदार मिल गए। लेकिन जब तक ये हुआ, अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स की कीमत धड़ाम हो चुकी थी, यानी निवेशकों को नुकसान होना तय था। जो शेयर उसने 3200 रुपए में खरीदा था, वो उसे बाजार में 2000 से 2100 के बीच मिल रहा था और आज तो इसका दाम 1565 रुपए पर आ चुका है बाजार बंद होते समय। इसका मतलब अडानी के शेयर की कीमत कुछ ही दिनों में आधी रह गई है। ये तो था संदर्भ। इस सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला कि अडानी समूह ने वास्तव में एफपीओ वापस क्यों किया। अब पहले समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी का बयान सुनिए, फिर आगे की बात। आफ्टर अ फुल्ली सब्सक्राइब एफपीओ यस्टरडेज डिसीजन ऑफ हिज विथड्रॉल वुड हैव सरप्राइज्ड मेनी, बट कंसिडरिंग द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट सीन यस्टरडे, आवर बोर्ड स्ट्रांगली फेल्ट that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. अडानी समूह ने निवेशकों के हितों की रक्षा और नैतिकता जैसी बातें की और सामान्य गणित भी यही कहता है कि अगर किसी सौदे में अकारण नुकसान पहुंचा हो तो पैसे लौटा देने चाहिए। पर एक पेच है। हमने जितने एक्सपर्ट से बात की, सबने यही कहा कि संभवतः भारतीय इतिहास में पहले कभी किसी कंपनी ने एफपीओ वापस नहीं लिया जबकि उनके निवेशकों ने पैसे देकर हाथ जला लिए थे। फिर चाहे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एनर्जी की बात हो या पेटीएम का आईपीओ, ये आईपीओ बंपर पिटे और निवेशक अब भी भारी नुकसान में चल रहे हैं। इन्हें किसी ने अनैतिक नहीं कहा क्योंकि शेयर बाजार जिन नियमों पर चलता है वहां ये पूरी तरह वैध है। खरीदार जोखिम को समझकर ही शेयर खरीदता है और वो पैसा लौटाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता। फिर अडानी समूह के एफपीओ में आम निवेशकों का बहुत सारा पैसा लगा हो, ये मानने का आधार भी नहीं मिलता। ये ऑफर के अंतिम दिन पूरी तरह से सब्सक्राइब हो पाया था, यानी जितने शेयर थे उनके लिए खरीदार मिल गए, जबकि पूर्व में नामी कंपनियों के एफपीओ कई गुना सब्सक्राइब हुए हैं। तो फिर समूह के शेयर लिए किसने? गौर करिए, आपकी दिलचस्पी होगी ये जानने में। 5985 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स ने दिए, यानी बड़ी संस्थाएं। मिसाल के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, इसके जैसे कुल 33 फंड्स ने पैसा लगाया। गैर संस्थागत निवेशक यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अमूमन ऐसे निवेशक 2 लाख से ऊपर की बोली लगाते हैं, इन्होंने एफपीओ में बड़ी दिलचस्पी दिखाई। अपने कोटे के शेयर के मुकाबले 3.26 गुना शेयर के लिए बोलियां लगाई। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल, सुनील मित्तल, सुधीर मेहता और पंकज पटेल जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इसी कैटेगरी में अबू धाबी और दुनिया के दूसरे हिस्सों के निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। इस पूरी कहानी में आम निवेशक पीछे रहे जो अपने पास से पैसा लगाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए भी जो कोटा रखा था उसे भी उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जो पैसा अडानी ने किसी तरह इकट्ठा किया था उसे अचानक वापस कर देना किस स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है? सुनिए एक्सपर्ट्स की राय। देखिए, पहली बात तो ये जो अडानी ग्रुप है एक बहुत बड़ी, मतलब कहने की भारत की पहली बड़ी कंपनी हो गई थी। रिलायंस के पीछे छोड़ दिया था इन्होंने मार्केट कैप के लिहाज से। अब इतनी बड़ी कंपनी का मार्केट कैप लगातार उनकी शाख बाजार में गिरती जा रही है और कई लाखों करोड़ों रुपए जो है इन्वेस्टर्स के स्वाहा हो गए। मुझे लगता है कि 20,000 करोड़ रुपए का जो एफपीओ था उन्होंने जो मोरली लौटाया है, कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि इनके मार्केट कैप में या स्टॉक प्राइस में जो लॉस हो रहे हैं पहले उसको रोका जाए, क्योंकि ये सारी चीजें जद्दोजहद उनकी मतलब एफपीओ के पास ही चालू हुई। जब हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली उस पर उन्होंने शॉर्ट किया यूएस में उनके जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उस पर शॉर्ट लिया, इनिशिएट किया और उसके बाद ये सारी चीजें चालू हुई थी।
हम लोग भी मार्केट में एक चीज देखते थे कि इनकी कंपनियों का जो वैल्यूएशन है वो काफी स्ट्रेच हुआ करता था देन टू द कैश फ्लो। हम लोग देखते हैं कि कंपनीज में कैश फ्लो ज्यादा होना चाहिए। अब अगर हम रिलायंस और अंबानी अंबानी और अडानी की कंपनियों की बात कर लें तो अंबानी के पास जो कैश फ्लो है वो जो है वो सब्सटेंशियली अप है अडानी से, लेकिन फिर भी अडानी उनको पीछे छोड़ गए थे ड्यू टू सर्टेन रीजन क्योंकि मार्केट कैप बढ़ गया था। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अनप्रेसिडेंटेड हैं इस कंपनी के लिए। दूसरी कंपनी की जो बात कर रहे हैं जैसे कि आईपीओ पेटीएम में आए, नाइका में आए, जोमेटो में आए, वो कंपनियां में इस तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ था और इस तरह का डिस्प्यूट ना आने के कारण केवल और केवल जो है चूंकि फ्री मार्केट है और यहाँ पर भाव जो है वो खरीदार डिसाइड करता है, खरीदार और जो बेचने वाले हैं वो दोनों मिलकर किसी चीज का भाव डिसाइड करते हैं, लेकिन वहां पर चूंकि इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी तो मुझे लगता है कि इसी के कारण उन लोगों ने वापस नहीं लिया। लेकिन चूंकि अडानी को अपने पूरे ग्रुप की साख बचानी है, स्टॉक प्राइस को जो रोज प्रतिदिन मतलब आज पांचवा दिन है जहां पर कि स्टॉक प्राइस गिरते जा रहे हैं और उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन सारी चीजों से एक ग्रुप को जो है साख बचाने की कोशिश की है अडानी ने। एफपीओ वापस लेकर समूह भले अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अडानी समूह के सामने अब और बड़ी समस्याएं आ रही हैं। क्रेडिट स्विस के बाद सिटी ग्रुप ने भी अडानी समूह के बॉन्ड्स के बदले कर्ज देने पर रोक लगा दी है। बॉन्ड एक नोट की तरह होता है। मान लीजिए कि कंपनी 100 रुपये का बॉन्ड निकालती है, आप इसे 100 से कुछ कम में खरीदेंगे और एक तय तारीख पर कंपनी को लौटा देंगे और तब कंपनी आपको पूरे 100 रुपये चुकाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े बड़े बैंक नामी कंपनियों के बॉन्ड्स के बदले भी कर्ज देते हैं, लेकिन अब अडानी समूह के बॉन्ड्स के बदले दो कंपनियां कर्ज नहीं देंगी। यहां एक बात समझने वाली है, इन कंपनियों ने यह नहीं कहा कि ये अडानी समूह से अपना लेन देन खत्म कर रही हैं, ये भविष्य में लिए जाने वाले कर्ज के लिए हैं और उसमें भी कई कैटेगरी हैं। फिर भी इसका असर कंपनी की रेपुटेशन पर पड़ता है। क्या ये पैटर्न और आगे बढ़ेगा और इसका क्या नतीजा हो सकता है, सुनते हैं। देखिए डेफिनेटली अगर क्या होता है कि अगर किसी एक या दो लोगों ने किसी भी बिना पे अगर उस चीज को उन्होंने मना कर दिया है तो दूसरे के लिए वो एक प्रेसिडेंस बन जाता है कि देखिए इन्होंने किया, क्योंकि अगर भविष्य में अगर कोई भी चीज बस्ट होती है और किसी ने उसे मना किया होता है और उसके बावजूद भी जाकर किसी ने काम किया होता है तो उसके ऊपर आरोप या आक्षेप बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रेसिडेंस के रूप में देखा जाता है और यही कारण है कि हमें मार्केट में काफी बड़ा राउंड दिख रहा है, क्योंकि इससे उनके स्टॉक प्राइस में जहां भी मार्जिन प्लेज होगी वो सारी चीजें बिक्री में आई हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये 2-3 दिनों का शायद अनुकना होगा क्योंकि कंपनी जो है अब मेकओवर की कोशिश कर रही है, सारी जगह से ये चीजें बंद की जाए। और जहां तक जो है कि कोलेटरल की बात की जाए तो कोलेटरल अगर क्योंकि विदेशों में है, इंडिया में तो काफी कम होता है कि हम अगर कोई भी एसेट लेते हैं उसके बिना पे और भी लोग बाजार में उसको दे के एक्सपोजर ले लेते हैं, इंडिया में तो काफी कम होता है लेकिन विदेशों में होता है। तो विदेशी ये प्रॉब्लम यूएस में या फिर यूरोपियन नेशंस में हो सकती है बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इस सच कुछ चीजें। भारतीय बैंकों ने लगातार कहा है कि उन्होंने अडानी समूह को ज्यादा कर्ज नहीं दिया, बावजूद इसके एलआईसी के साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के शेयर टूट रहे हैं। अगर भारतीय बैंकों ने समूह को ज्यादा कर्ज नहीं दिया तो वो क्यों भुगत रहे हैं? देखिए इंडियन बैंक्स में एक्सपोजर तो डेफिनेटली है बट सब्सटेंशियली नहीं है अगर उनके पूरे बुक्स पे देख लिया जाए, क्योंकि आज ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो बताया है कि 23,000 करोड़ रुपया उनका एक्सपोजर अडानी ग्रुप पे है। टोटल अडानी ग्रुप का एक्सपोजर less than 50% इंडिया में है और बाहर से उनकी ज्यादा डिपेंडेंसी है लोन की। तो मुझे लगता है कि एक फियर फैक्टर मार्केट में आप देखोगे कि मार्केट में जो स्टॉक प्राइस गिरते हैं उसमें फियर और ग्रीड ये बहुत दो बड़ी चीजें होती हैं। जब स्टॉक भाग रहे होते हैं तो लोग लालच के माफिक जो है दौड़ते हैं और स्टॉक प्राइस को चेज करते हैं, और सिमिलरली उल्टा तब होता है जब मार्केट में एक फियरफुल माहौल होता है। और मुझे लगता है कि उसी फियरफुल माहौल के कारण जो है ये सारी चीजें नीचे हैं। अगर आप पूरे अडानी ग्रुप के कैश फ्लो को भी देख रहे हैं तो तकरीबन जो है 40,000 करोड़ से ऊपर का सालाना कैश फ्लो है, तकरीबन 22,000 करोड़ की कमाई है पूरे ग्रुप की। और मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि बिजनेस एज सच में कोई इशू नहीं है। केवल इशू है कि इनके कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशूज हैं या कुछ अदरवाइज जो इशू इन्होंने हिंडनबर्ग ने रेज किए हैं, अदरवाइज बिजनेस एज सच अभी तक इफेक्ट नहीं दिखा है। देखिए दो चीजें हैं कि अगर ये मान लीजिए कि एक बबल था बस्ट हो गया, लेट्स वर्स
केस सिनेरियो को भी देखें अगर, तो ऐसा देखा जाता है कि इनकी इनके पास जो एसेट है, और एसेट के बिना पे आपने कितने बड़े लोन लिए हैं, तो मुझे लगता है कि वो एसेट जो है ज्यादा है जितना कि इनका लोन है। अगर बैंकों के प्रति हम लोन को देख लें तो वो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें मिटिगेट हो सकती हैं कि इंडियन बैंक्स कह रहे हैं या इंडिया में जो लेंडर्स हैं वो बच सकते हैं अगर बस्ट होता है तो। अदरवाइज कैश फ्लो में अभी तक कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैं बता रहा था कि कैश फ्लो जैसी चीजें, अगर बैंक को कैश फ्लो देखना होता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर कंपनी बराबर मेंटेन करती है, बिजनेस में अगर कोई वांधा नहीं होता है, तब तक जो है चीजें खराब नहीं होती है। मीडिया एक्सरसाइज अलग होती है, आपको अपनी इज्जत बचानी है उसको अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा, बिजनेस को रन करना एक अलग चीज होती है। तो मुझे लगता है कि ये दो चीजों को बारीकी से देखना होगा, और रेगुलेटर हो या जांच करने वाले अधिकारी हो, इन चीजों को डेफिनेटली बारीकी से देखना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई और सेबी जैसी संस्थाएं अब हरकत में आ गई हैं। क्या इस दखल से बाजार में मची तबाही कुछ कम होगी? ये भी जानना चाहिए। देखिए, जब तक मुझे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर जमीनी हकीकत पे चीजें इस तरह से नहीं है, तब तो मुझे लगता है कि कोई सिस्टमैटिक रिस्क नहीं होगा। तो ये जांच करने की जरूरत होगी कि क्या जमीनी हकीकत क्या है वास्तव में, और जो भी रिपोर्टेड नंबर्स हैं कहीं उसमें तो गड़बड़ी नहीं है, ये भी चीज जांच का विषय होना चाहिए कि जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं वो कहीं इन्फ्लेट तो नहीं किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें अगर जांच कर ली जाए और जितना जल्दी से जल्दी जो है इसको, इस चीज को रोका जाए, क्योंकि अगर ये नहीं रोका जाएगा तो ये कंटेजियन इफेक्ट पूरे स्टॉक मार्केट में, पूरे फाइनेंशियल मार्केट में होगा, जिसका कि फॉलोआउट काफी बुरा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें रेगुलेटर्स को, सरकार को बहुत ही त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, और क्या हकीकत है ये लोगों के बीच आनी चाहिए। हमने 27 जनवरी के शो में आपको बताया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने क्या जवाब दिया। उनका पहला जवाब था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं जो अडानी ग्रुप ने पहले से ना बताया। दूसरी बात कि हिंडनबर्ग के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, अमेरिका और भारत में उसके लिए कानूनी विकल्पों की तलाश चल रही है। इस पर हिंडनबर्ग ने कहा था कि वो कानूनी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। तब से अब तक अडानी समूह की तरफ से कई जवाब और सफाई आ चुकी हैं। एक बयान में अडानी ग्रुप के सीएफओ जुगेंद्र सिंह ने रिपोर्ट को झूठ का पिटारा बताते हुए इसकी तुलना जलियांवाला बाग नरसंहार से की। MINT बिजनेस डेली की ओर से पूछा गया था कि शेयर बाजार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विश्वास करता दिख रहा है, क्या इससे आपको निराशा हुई? जवाब अडानी ग्रुप के सीएफओ का, और ये जवाब था, मैं इतिहास का छात्र रहा हूं और पंजाब से आता हूं, यहां माहौल मुझे हैरान नहीं करता। जलियांवाला बाग में केवल एक अंग्रेज ने आदेश दिया और भारतीयों ने ही दूसरे भारतीयों पर गोली चला दी। ये मेरे राज्य में हुआ और हम उस दिन को याद करते हैं, यही वजह है कि मुझे इस माहौल से हैरानी नहीं हुई। यहाँ एक तरह से अडानी ग्रुप के शेयर गिरने और जलियांवाला कांड की तुलना की गई है। सफाई की ही कड़ी में अडानी ग्रुप की तरफ से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इंडिया पर कैलकुलेटेड अटैक भी बताया गया और उनकी तरफ से आए जवाब में कहा गया कि ये केवल किसी खास कंपनी पर अनुचित हमला नहीं है, बल्कि ये भारत, भारतीय संस्थानों की आज़ादी, अखंडता, उसकी गुणवत्ता, ग्रोथ स्टोरी और भारत की महत्वाकांक्षा पर संयोजित हमला है। अब ये तो था अडानी का जवाब। इस पर काउंटर आया हिंडनबर्ग की तरफ से और अंग्रेजी में कहा गया, फ्रॉड कैन नॉट बी ऑफस्केटेड बाई नेशनलिज्म, मतलब कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद से नहीं ढका जा सकता। हिंडनबर्ग ने अपने जवाब में यह भी कहा कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में तेजी से हुए इजाफे को भारत की सफलता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम सहमत नहीं। भारत एक उभरती हुई सुपर पावर के साथ सुनहरे भविष्य वाला लोकतांत्रिक देश है, हमें लगता है कि अडानी ग्रुप इसे पीछे ढकेल रहा है। समूह ने व्यवस्थित तरीके से देश को लूटते हुए तिरंगे में छिपा लिया है। ये तो हिंडनबर्ग और अडानी के आपस के सवाल जवाब हो गए, पर आम निवेशक अडानी की सफाई पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है, क्यों उसके शेयर नीचे जा रहे हैं? इस पर भी सुनिए व्याख्याकारों की राय। देखिए, दो चीजें हैं। कोई भी कंपनी अगर अपने आप को तथ्यों से दूर ले जाती है तो वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है। तो तथ्यों को आपको सिलसिलेवार तरीके से उसको खारिज करना चाहिए कि अगर ये चीजें हैं। दूसरी चीज, ये जो, क्योंकि इंडिया की एक सबसे बड़ी कंपनी हो गई थी बाय मार्केट कैप, अगर कोई भी कंपनी किसी भी देश में उसकी सबसे बड़ी कंपनी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है देश के साथ उसका जो है जुड़ाव हो ही जाता है। आप यूएस की बात कर ले, वहां की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं गवर्नमेंट डेफिनेटली उनको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो वहां पर टैक्सेस भरते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, तो ये एक दूसरे की डिपेंडेंसी की तरफ हो जाती है। मुझे लग रहा है कि किसी भी कंपनी को देशभक्त तो होना ही चाहिए, लेकिन
अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं तो उस आरोपों को अपने किसी भी रेगुलेटर के सामने रखना चाहिए, जो भी रेगुलेटर है, सेबी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे जो है कंपनी मामलों के जो 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 अफेयर्स है, जो जहां पर कि लोग सारी चीजें रिपोर्ट करते हैं, वहां पर आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से रिपोर्ट करनी चाहिए। और देशभक्त होना एक दूसरी चीज है, बट लेकिन अगर आपको कटघरे में खड़ा किया गया है तो उसका आपको सिलसिलेवार तरीके से जवाब देंगे तो ही आप इस सारी चीजों से उबर सकते हैं। मार्केट पर जो असर है हमने उसकी बात की, अब बात संसद की, जहां फिलहाल बजट सत्र चल रहा है। आज 2 फरवरी को बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन अडानी और हिंडनबर्ग का मुद्दा ही दोनों सदनों में छाया रहा। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल के दौरान हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ और फिर लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी दलों ने पूरे दिन अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों पर जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की। 2 बजे जब दोबारा लोकसभा बैठी तो वेल में जाकर विपक्षी सांसदों ने अडानी मोदी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सांसदों से बजट पर चर्चा की अपील की, लेकिन बात तब भी नहीं बनी और हंगामा बढ़ता देख लोकसभा को 3 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। यहां विपक्ष के 9 सांसदों ने रूल नंबर 267 के तहत सदन में चर्चा के लिए बिजनेस नोटिस दिया। इसके तहत विपक्ष LIC, SBI, अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और पब्लिक सेक्टर बैंकों की गिरती मार्केट वैल्यू पर चर्चा चाहता था। नोटिस देने वाले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह थे अहम। नोटिस को सभापति जगदीप धनखड़ ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि नोटिस ऑर्डर में नहीं थे। नोटिस रिजेक्ट होते ही राज्यसभा में विपक्ष के सांसद विरोध करने लगे, जिसके बाद इसे भी 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आगे भी हंगामा हुआ तो राज्यसभा भी अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई। संसद के अंदर बात नहीं हो पाई तो सांसदों ने बाहर आकर मीडिया के सामने सवाल उठाए। सुनिए। अमृतकाल में ये महाघोटाला है और इस महाघोटाले पे सदन में चर्चा कराओ, सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड इसकी पूरी जांच कराओ और JPC बनाओ। इस डिमांड के साथ हम लोग पार्लियामेंट में अपनी आवाज आज भी उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। जिस पर इतना बड़ा आरोप लगता है, ये हिंदुस्तान का झंडा लेकर के ये कहता है कि हमला भारत पे है। मुझे नहीं पता कब एक उद्योगपति भारतवर्ष का पर्याय हो जाता है। अगर ये हालात हो गए हैं कि क्रोनी पूंजी के समक्ष सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो कहां का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री। सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। ये सिर्फ मैं समझता हूँ इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। घटनाएं आज देश में आर्थिक दृष्टि से घोटाले हो रहे हैं, उसके बारे में एक आवाज में सदन में उठाना ये हमारा सबका मकसद है। इसीलिए हमने एक नोटिस दी थी 267 के तहत, और ये नोटिस पे हम चर्चा चाहते थे। लेकिन और जब भी हम नोटिस देते हैं तो मुझे मालूम नहीं हो रहा कि किस तरह से, किस तरीके का नोटिस देना चाहिए। विपक्ष के इन आरोपों और मांगों को BJP ने हंगामा करार दिया। मैटर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण में कुछ भी बोल सकते हैं, चर्चा करने तो उसमें उत्तर मिलेगा। तो अभी प्रश्न है सदन सुचारू रूप से चलाना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन है तो देना चाहिए। तो इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अडानी समूह जल्द हिंडनबर्ग रिपोर्ट के फेर से बाहर निकल आएगा, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। जरूरी है कि नियामक संस्थाएं जल्द से जल्द स्थिति को साफ करें और इन नियामक संस्थाओं के ऊपर जो सरकार है, देश की सरकार, केंद्रीय सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, वो स्थिति को साफ करें, क्योंकि हिंडनबर्ग के तो हित जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनके सवालों की मंशा पर प्रश्नचिन्ह कभी हटेगा नहीं। लेकिन ये जरूरी है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े जो प्रश्न हैं उनके सटीक उत्तर मिलें, क्योंकि आपकी राय चाहे जो हो, अडानी जैसी बड़ी कंपनियां किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के भविष्य के साथ नत्थी हैं। हमें मेहनतकश लोगों की जरूरत है और उद्योगपतियों की भी। बस ये आवश्यक है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।
सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।